हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौटन में मक्का की अलाजमा खजूर यानी कि किंग ऑफ द डेट्स इन दिनों चौटन आलमसर स्थित सियोल खार्क फार्म पर पकने को तैयार है। वहीं बगदाद की मोरक्को अफ्रीकी की मैगजूर किस्म की खजूर बाजार में धूम मचा रही है। आलमसर के प्रगतिशील किसान साधुलाराम सियोल ने थौर में खजूर उत्पादन का अभिनव प्रयोग किया है, जो न सिर्फ उनकी आजीविका का बड़ा जरिया बनकर उभरा है, वरना जिले सहित देश के कई राज्यों के लोगों की पसंद बनकर थार को एक नई पहचान देने लगी है। कभी जीरा उत्पादन को लेकर किसानों की प्रतिस्पर्धा के अब सियोल की देखा देखी, यहाँ के कई किसानों ने भी अपने खेतों में खजूर के पेड़ लगाकर इसे आमदनी का जरिया बनाने का नायाब तरीका शुरू किया है। सियोल के खेत में बरही के 280, मैटजूल के 150, खुनेजी के 80, अलजवा के 25 पौधे लगे हैं। वहीं उन्होंने प्रयोग के तौर पर नागेल और फर्द किस्म के भी दो दो पेड़ लगाकर आजमाइश शुरू की है। सियोल बताते हैं कि गत वर्ष उन्होंने खजूर से 20 लाख की आमदनी अर्जित की, वहीं इस बार उन्हें अलजवा के उत्पादन शुरू होने पर 40 लाख की आमदनी होने के आसार हैं। साधुलाराम सियोल बताते हैं कि सिर्फ भारत में उत्पादित होने वाली खुनेजी और कच्ची किस्म के पेड़ लगाकर थार में परीक्षण शुरू किया है। ये सिर्फ भारतीय जलवायु में पैदा होने वाली किस्म है, जिनका बाजार में 1000 से 5000 रुपए प्रति किलो के भाव मिलने की उम्मीद है। सियोल ने अपने कृषि फार्म में 8 साल पहले बरी और मैटजूल के पौधे लगाकर खजूर की खेती शुरू की थी। साल दर साल उन्होंने पेड़ों की संख्या और नई किस्मों की तादाद में बढ़ोतरी को जारी रखा। अब चौटान इलाके में आलमसर सहित सावा, बुरहान का ताला, सिन्हानिया आदि गाँव में भी किसानों ने खजूर की खेती पर आजमाइश शुरू की है, जो धीरे धीरे मरुस्थल को खजूर उत्पादन का केंद्र बनाने में कामयाबी की तरफ है। और ये जो है 2010 में शुरू किया मैंने खजूर का, और ये 2013 में इसका पहला मतलब जो उत्पादन आया, 2013 से हम इसका उत्पादन बराबर ले रहे हैं। अच्छा उत्पादन है, बरही जो है अपने इस क्लाइमेट वातावरण में और इस रेगिस्तान में एकदम उपयुक्त, और ये जून के लास्ट वीक में पकती है और 20 जुलाई तक पक जाती है। कितना उपजाऊ होता है इस पे? मतलब शुरू में 30 से 40 किलो पर पेड़, अब जो है ये 5-6 इसका छठा पीरियड है, इसका छठी फसल है, तो ये इस साल हमें उम्मीद है कि एक पेड़ से हमको और करीब 80 से 90 किलो के बीच माल मिलेगा। कितना मुनाफा होता है इसमें? मुनाफा बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चैन से नींद आती है, संतोष की रोटी मिलती है। बाड़मेर से जागरूक टीवी दुर्गा सिंह राजपूत की रिपोर्ट।